माननीय उप मुख्यमंत्री जी त्रिशला फाउंडेशन द्वारा आयोजित बच्चों की दिव्यांगता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुए सम्मिलित। वहीं सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों की जीवन पर्यंत देखभाल अभिभावकों के परिक्षेप्य में विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए त्रिशला सीपी गांव बनाने की कल्पना सराहनीय कदम। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयाग संगीत समिति के मेहता ऑडिटोरियम सिविल लाइन्स प्रयागराज में त्रिशला फाउंडेशन द्वारा आयोजित बच्चों की दिव्यांगता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में फूलपुर माननीय सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल, शहर उत्तरी के विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बांग्लादेश, नेपाल सहित कई देशों के लगभग 400 से ज्यादा अभिभावकों ने हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों की जीवन पर्यंत देखभाल अभिभावकों के परिक्षेप्य में विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित विभिन्न समस्याएं एवं उनके समाधान पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के नवरसों का परिचय मार्च पोस्ट व उनके अभिभावकों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति देकर किया गया, जो अतिथिगण व अभिभावकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। न्यूज इंडिया 9 से रोहित सिंह की रिपोर्ट।